छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बोराई पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि जिले की बोराई पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना बोराई बेरियर नाका में उड़ीसा की ओर से आती हुई एक कार को संदेह के आधार पर रोका। वहीं जब कार में सवार तीनों संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, तब आरोपियों ने अपना नाम नागेंद्र सिंह और दीपचंद चर्मकार और विजय कुमार बताया। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उस वाहन से एक काले बैग में अवैध रूप से 14 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 2,84,000 रुपए बताई गई है। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी से संवाददाता वैभव चौधरी की रिपोर्ट। दिनांक 23 को विंस्का में कार्रवाई हुई थी, वैसे ही चेकिंग दिनांक 24 को हर थाना क्षेत्र में की जा रही थी। इसी पर से थाना बोराई में थाना प्रभारी के द्वारा हमारा स्टाफ के साथ जो अंतर्राज्यीय जांच नाका है वहां पर चेकिंग की जा रही थी, तो उसी समय दरमियानी एक व्हाइट कलर की बोलेरो गाड़ी आके रुकी और उस पर से जब थाना प्रभारी के द्वारा हिकमत अमली से तीनों जो व्यक्ति उसमें बैठे थे उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, डर रहे थे, तो फिर गाड़ी की तलाशी ले गई तो उस पर से मादक पदार्थ गांजा उसमें पाया गया, जिस पर से उनसे वैध दस्तावेज जिससे मांगे गए तो वो नहीं पेश कर पाए और इस पर से थाना प्रभारी के द्वारा जो तीन आरोपी हैं तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए उनको भेजा जा रहा है। तीनों आरोपी के नाम हैं नागेंद्र और दीपचंद्र जो कि शहडोल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और तीसरा आरोपी जो कि विजय है वो सतना का मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उन पर से लगभग 14 किलो गांजा बरामद किया गया है और जिसकी रकम लगभग 3 लाख रुपए है और जो गाड़ी है उसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए, कुल 7 लाख रुपए का जुमला रकम जब्त की गई है और आगे की कार्रवाई की जाए।